और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां छेड़खानी मामले में हॉस्टल का संचालक गिरफ्तार हो गया। नाबालिग बच्ची के साथ वो छेड़खानी कर रहा था। ओम साई हॉस्टल का संचालक है आरोपी दिलीप कुमार कुशवाहा और हॉस्टल में रह रही थी नाबालिग दलित बच्ची। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां छेड़खानी के आरोप में हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दलित बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है। ओम साई हॉस्टल का मालिक बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, छेड़खानी मामले में हॉस्टल का संचालक गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हॉस्टल में नाबालिग दलित बच्ची रहती थी। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है। ओम साई हॉस्टल का संचालक दिलीप कुमार कुशवाहा पर एक बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, जैसा कि जानकारी है कि ये जो हॉस्टल संचालक हैं, वो अपने यहाँ बच्चों को रखकर हॉस्टल का संचालन करते थे जी। जिसके दरमियान ये बहुत बड़ी वारदात हुई है कि एक दलित बच्ची है और उसके साथ इन्होंने छेड़खानी किया है, जिसको लेके मामला भड़क गया और सूचना पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। धनंजय, अभिभावकों में कितना डर है, क्योंकि बच्ची को एक सेफ जगह पर जो है अभिभावक भेजते हैं उनकी पढ़ाई के लिए या आगे वो जॉब करती है इसलिए, लेकिन इस बीच में इस तरह की घटना, तो अभिभावकों में कितना डर है? अभिभावकों की बात अगर कही जाए तो जैसा कि समाज और दुनिया का ये वसूल है कि कोई भी अपने बच्ची को कहीं भेजता है तो बहुत सेफ्टी जोन में रखना चाहता है। और जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभियान है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन इसके ठीक विपरीत मोतिहारी में ऐसी खबर देखने को मिल रही है कि हॉस्टल में रहने वाली एक दलित बच्ची के साथ हॉस्टल संचालक के द्वारा ये जघन्य अपराध किया है, जिसके कारण वहां के आसपास के अभिभावकों और पीड़ित परिवार के अभिभावकों में काफी आक्रोश है और डर का माहौल बना हुआ है। धनंजय, उस हॉस्टल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? जी, मोतिहारी पुलिस के द्वारा हॉस्टल संचालक को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसको थाना हाजत में रखा गया है और आगे की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया जो विधि सम्मत होगी उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। धनंजय, पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये जो शिकायत है कब दर्ज हुई थी? जी, ये रात की घटना है और रात के घटना के क्रम में ही पीड़ित बच्ची के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई है और जिसको लेकर मोतिहारी पुलिस के द्वारा हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया गया है, उसे थाना हाजत में रखा गया है और आगे की प्रक्रिया भी जारी की गई। धनंजय, हॉस्टल में तो काफी सारी बच्चियां रह रही होंगी, तो क्या दूसरे से भी आपकी बात हुई है, उन लोगों का भी कुछ ऐसा आरोप रहा है क्या? जी जी, उसमें असंख्य बच्चे और बच्चियां रह के यहाँ मोतिहारी में पढ़ाई करती हैं और जो हॉस्टल के संचालक हैं वो उनकी छवि ऐसी बनी हुई थी कि ये एक अभिभावक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कुछ दबी जुबानों से यहाँ की बच्चियों ने स्पष्ट रूप से बताया और अपना नाम खुलने के डर से भी उन्होंने चुपके से बताया कि यहाँ पे बहुत सारी बात होती है और हॉस्टल संचालक के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और यह भी धमकी दिया जाता है कि अगर इस बात को अगर तुम अपने अभिभावक को कहोगे तो फिर हम ऐसा क्लेम लगा देंगे ताकि तुम घर पे भी नहीं रह पाओगी, ना पढ़ पाओगी और ना यहाँ रह पाओगी। चलिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि एक बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां हॉस्टल संचालक को एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।